हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, शाम के बजे हुए 4 और चार बजे से आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और आज है संडे 30 जनवरी। तो आज है संडे 30 जनवरी। कल से बच्चों के खुलेंगे स्कूल, तो उनके लिए अभी मैं शाम से तैयारी कर रही हूँ। मतलब कपड़े वगैरह सारे धुले रखे थे, बस बाहर निकाल के लाना है, प्रेस करना है, और तो कुछ करना नहीं। सारा कुछ पहले से ही रेडी था। और ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखिए, फोल्ड करने के लिए छत से लेकर आई हूँ, तो इनको भी अभी मुझे फोल्ड करना है। और मनी प्लांट देखते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्या करें फ्रेंड्स। और अब मैं गार्डनिंग करने वाली हूँ, देखते हैं थोड़े बहुत प्लांट्स और लेकर प्लांट्स नहीं, पहले गमले लेकर आऊँगी, फिर अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। पहले बाहर मैं गार्डनिंग कर ले रही थी, क्योंकि अब जानवर आते हैं तो नहीं कर पाते, तो फिर सोच रहे हैं यहीं घर में पूरे आंगन में गमले रखेंगे तो अच्छा लगेगा, सोच रहे हैं, देखते हैं कब आते कब। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कपड़े कर लेते हैं फोल्ड। और अभी क्या लेकर आया है अंदर, देखो अभी कुछ लाया है खाने के लिए, तो अभी बनाएगा। क्या बनाओगे? भेलपूरी। फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या लेकर आया है, ये देखिए, तो अभी कुछ लेकर आया है, जाते हैं खाते हैं और कपड़े फोल्ड करना है। और मौसम बहुत ही अच्छा है, 2 दिन से इतना अच्छा मौसम, और आज है 30 जून। और फ्रेंड्स अभी ये देखिए भेलपूरी बनने जा रही है, अभी प्याज वगैरह कटेगा, ये देखिए, तो ये देखिए अभी हम लोग बनाएंगे और खाएँगे। और फ्रेंड्स ये वाला मेरा पंखा देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हवा देता है ये वाला पंखा, तो इसी के सामने हम लोग बैठते हैं। और अभी जाते हैं, प्रेस भी करना है, कटोरा। फ्रेंड्स मम्मी का बिग फैन देख लीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले भेलपूरी खा लेते हैं जब बन जाए, और फिर कपड़े फोल्ड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे बंटवारा हो गया है, और ये 10 रुपये का लेकर आया, लेकिन ये 10 में ही बेच रहा है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ढेर 10 रुपये के हैं। और अब ये 5 का, ये 5 का हम लोगों को दे रहा है, तो इसका तो ये फ्री हुआ ना, इतना होशियार लड़का, देख सकते हैं ये ना 10 रुपये का सामान हम लोगों में 10 का बेच रहा है, अपना भी निकाल रहा है, ऐसा कौन करता है। तो ये 5-5 का है हम लोगों का दी, ये देखो हम लोगों को इसने 5-5 का दिया, और ये खाता जा रहा है, अपना ही खाना भैया, मेरा नहीं लेना। ये बारिश स्टार्ट हो गई है कितनी ज़्यादा तेज़, और उधर मेरा बेड भीग रहा था, तो मैंने पर्दे बंद कर दिए कि पर्दा ही भीगेगा, बेड नहीं भीगेंगे, तो पर्दा देख रहे हैं अच्छी तरीके से पूरा भीग रहे हैं, धुल जाएंगे मेरे पर्दे। और छत खुला है ऊपर, ये देखिए, तो इसलिए बारिश देख सकते हैं वहाँ तक पूरा जा रही है, वो देखिए अंदर तक पूरा बेड तक जा रही है, देख सकते पूरे पर्दे भीग रहे हैं, लेकिन फिर उधर नहीं भीगेगा इसलिए मैंने कर दिया। कुछ मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि बेड पूरा भीग रहा है, तो जाते हैं चद्दर लेते हैं पहले, वो डाल देते हैं। और इधर मेरे कपड़े ये फोल्ड हो गए हैं इतने सारे, मैंने फ़ोल्ड ही किया जैसे कि बारिश स्टार्ट हो गई, तो चलिए पहले वहाँ पे कुछ डालते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे पर्दे लगे हुए, यहाँ पे मेरे फोल्डिंग वाले पलंग पड़े हुए, तो ये भीग रहे थे क्योंकि बारिश की बौछारें सीधा उधर ही जा रही थी, तो पूरा बिस्तर भीग रहा था, हटा भी नहीं सकते थे क्योंकि आगे जगह ही नहीं थी उधर, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही चद्दर डाल देंगे तो फिर नहीं भीगेंगे, तो ऐसे ही डाल के, और उन्हें मैंने पर्दे सारे बंद कर दिए, तो पर्दे भीग गए थे पूरे, लेकिन अंदर ज़्यादा नहीं भीगा था, तो सही क्या कर सकते हैं फ्रेंड, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी अंदर आता है क्योंकि आंगन खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और पर्दे अब मेरे नहीं भीग, मतलब पर्दे तो भीग जाएंगे, अब बेड नहीं भीगेगा, और बारिश का भी नज़ारा मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइट नहीं आ रही है, और मेरे एक फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, और मुझे भी वीडियो भी डालना था, लेकिन जैसे लाइट ही नहीं आ रही, और मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें बैटरी ही नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं क्या कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा फ़ोन है इसमें बैटरी है, तो वीडियो तो ज़रूर आप सभी को बना के दिखाऊंगी, तो चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि मेरे यहाँ बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। और देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बारिश हो रही है तेज़, और अभी को नहाना भी था, ये 2 बार घर में नहा चुका है, और तीसरी बार ये बारिश में भी नहाया था, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि एक फ़ोन में मेरे बिल्कुल बैटरी थी नहीं, दूसरे वाले में थी, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर बना लिया। देख सकते हैं साइकिल भी ये धुल रहा है, और यहीं पर नहाएगा भी, बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय किया था बारिश को। और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे रियल वाली वॉइस थी मेरी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, म्यूट हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब पर्दे बंद कर दिए थे वही मैं दिखा रही थी कि पर्दे अच्छी तरीके से बंद हो गए, अब ज़्यादा पानी अंदर नहीं जाएगा बारिश की वजह से, जो बौछारों से जाएगा वही जाएगा बस, तो क्या कर सकते हैं, साफ़ करना ही पड़ता है, रोज़ बारिश में यही होता है, हर बार बारिश में पूरे यहाँ आंगन की वजह से सारे अंदर जो है पानी भर जाता है, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है, जो मुसीबत होती है वो तो झेलना ही पड़ेगा कैसे भी, देखते हैं कब आंगन
बंद होता है और कब मेरी मुसीबत कम पड़ती है, क्या करें फ्रेंड्स, बारिश में तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बाहर बारिश बंद हो गई है तो अभी मैं आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए बारिश फाइनली पूरी अच्छी तरीके से बंद हो गई है और बच्चे अपना मैगी अंदर बना रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, बच्चे शायद बना भी चुके हों क्योंकि उनके भूख लगी थी तो उन लोगों ने कहा मैगी बना लेते हैं। तो ये देखिए बना के और खाने भी लगे और देख सकते हैं शगुन भगोने में ही खा रही है और अभी अपना कटोरी में निकाल कर लेकर आए। दोनों बच्चों ने ही बनाया है और उनके भूख लगी थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती, आप लोग ये सोचेंगे मैं नहीं बनाती, लेकिन उनका जब मन करता है तो वो मैं कहूँगी फिर भी बोलेंगे नहीं मैं बना लूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चे भी बनाना पसंद करते हैं। अभी खाना बनाने के लिए बोल देंगे तो कोई नहीं बनाएगा। वही यहाँ पर टीवी चल रही थी इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया, बच्चे टीवी देख रहे थे और अपना मैगी इंजॉय कर रहे थे। बारिश में इन सब चीज़ों का मज़ा तो उठाना ही चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं मेरा घर बन गया तालाब, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी, और वहाँ पे मैंने पर्दे खोले अंदर बेड के नीचे भी पूरा पानी भर गया था। तो अभी मुझे साफ़ करना है, देख सकते हैं शाम हो ही गई, शायद 6 या 7 बज गए होंगे, और जिस दिन बारिश होती है अंधेरा होता ही है तो अभी मुझे करना पड़ेगा साफ़। देख सकते हैं क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस बारिश में यही हाल होता है। लेकिन मैं अगर ऊपर से भी ढक दूंगी तो नीचे पानी आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने अगले वाले व्लॉग में बताया था आप सभी को यहाँ पाइप पड़ी है, छत का पानी पूरा यहीं आंगन पे आता है। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ बहुत इस बार करूंगी कि ऊपर इसका पूरा बंद कर दे, टीन सेट रखवा देंगे जिससे पानी नहीं आएगा। हाँ छत का पाइप द्वारा तो आएगा लेकिन जो है ऊपर की बौछारें जो हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो जल्दी ही इसका कुछ करते हैं और आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब टीन सेट ला के डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे अभी मुझे खाना बनाना था लेकिन अभी मैं साफ़ सफाई में फिर से लग गई हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा पानी अंदर तक भर गया है। लेकिन क्या है, जो करना तो पड़ेगा ही, जब घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा और ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं और इससे निकलना हम लोगों का ही काम है, निकलेंगे ही। और क्या है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई भी हो जाती है बारिश हुआ अंदर तक पानी, वैसे धुलते तो है नहीं। सो फ्रेंड्स अभी रात के बजे हुए हैं 9 और मेरा खाना वगैरह सारा कुछ हो गया है, लाइट आ रही है लेकिन बारिश भी धीरे धीरे हो रही है, तो लाइट का कोई ठिकाना नहीं कब चली जाए। और कल बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं तो जल्दी आज सुलाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मिस करूँगी ये 1 महीने जो जून निकल गया, क्योंकि तो 1 महीने कैसे सोई, सबसे ज़्यादा अपना सोना मिस करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, जब छुट्टी होती है देर तक सोते हैं, अब वही रूटीन बन जाएगा डेली का, मिस करूँगी सोना बहुत ज़्यादा। और बुरा सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है बस सुबह जल्दी जब उठना पड़ता है, बच्चों के स्कूल होते हैं तो उठना तो है ही, कैसे भी करके उठना पड़ेगा। तो जल्दी से फटाफट जल्दी से बच्चों को भी सुलाऊंगी, मैं भी जल्दी सोऊंगी तभी होगा। तो अभी किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ हो गया और खाने में बनाया था दाल चावल रोटी और बच्चों ने मैगी बना ली थी अपने लिए थोड़ी सी, तो थोड़ा ही मतलब अपने लिए मैगी बना ली थी, फिर उसके बाद बनाया था दाल चावल रोटी, वो भी खा लिया है, किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।